हेलो एवरीवन। तो गाइस, मैं आज आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो है किचन टिप्स। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, आपके बहुत काम आएगी, बहुत ही हेल्पफुल टिप्स है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टिप्स। और सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। बेल आइकन को प्रेस करने से मैं जो भी वीडियो अपडेट करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी, जिससे आप मेरी वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज के टिप्स को शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टिप्स है नींबू और संतरे को लेके। अगर आपकी लाई हुई नींबू या संतरा या घर में जो पड़े हैं उसमें से ज़्यादा रस नहीं निकलता है, या फिर आपको उसमें ज़्यादा रस चाहिए, तो आपको क्या करना है, कुछ देर के लिए उसे गर्म पानी में डालकर छोड़ देना है। गर्म पानी में डालने से उसके बाद जब आप उसे काट के उसका रस निकालेंगे तो उसमें से ज़्यादा रस निकलेगा। टिप्स नंबर 2 है आलू को लेकर। जब हम आलू उबालते हैं तो उबालते टाइम कभी कभी हमारे आलू क्या होते हैं, फट जाते हैं या उसके छिलके आसानी से नहीं उतरते हैं। तो हमें क्या करना है, जब हमें आलू उबालना है तो साथ ही में उसमें हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। नमक डालने से क्या होगा, जब हम आलू को छीलेंगे तो आलू के छिलके बहुत आसानी से उतरेंगे और साथ ही में आलू हमारे फटेंगे भी नहीं। जो नेक्स्ट टिप्स है वो है करेले और अरबी को लेके। बहुत लोगों को करेला और अरबी की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि करेले में बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है और अरबी की चिकनाहट बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है। तो क्या करना है हमें, जब भी हम करेले को कट करें उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क के या नमक वाले पानी में उसे डाल के रख दें, इससे उसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बहुत थोड़ा सा रह जाता है, पूरी तरह से कड़वाहट नहीं जाती पर खाने लायक अच्छी हो जाती है। और साथ में हमें क्या करना है, अरबी के लिए भी हमें सेम प्रोसेस करना है। अरबी को कट करने के बाद हमें क्या करना है, उसे भी हमें नमक के पानी में डाल देना है, इससे अरबी भी ज़्यादा चिकना नहीं रह जाता, वो भी अच्छा लगता है खाने में। फिर जो नेक्स्ट टिप्स है वो है मेथी को लेके। मेथी की जो सब्ज़ी होती है, हरी मेथी की सब्ज़ी, वो भी बहुत लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो भी खाने में थोड़ी कड़वी लगती है बहुत लोगों को। तो उसको क्या करना है, थोड़ा सा नमक उसके ऊपर डालना है, मेथी की सब्ज़ी को कट करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालना है, बाद में उसको निचोड़ कर अच्छे से उसका रस निकाल लेना है। उसके बाद हमें मेथी की सब्ज़ी बनानी है, तो इससे क्या होगा, मेथी की कड़वाहट भी कम हो जाती है या चली जाती है लगभग, फिर मेथी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और जिसे ऐसे ही पसंद है वो तो ऐसे भी खा सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप्स जो है वो है फूल गोभी को लेके। अगर आप कट करते हैं सब्ज़ी को फूल गोभी की, तो उसमें एक चम्मच सिरका या एक चम्मच उसमें आपको दूध डाल देना है, उससे हमारी जो गोभी है फूल गोभी वो पीली बिल्कुल नहीं पड़ती, उसका कलर सफ़ेदी बना रहता है। नेक्स्ट टिप्स जो है वो है हरी मिर्च को लेके। अगर आप बहुत ज़्यादा हरी मिर्च लेके चले आए हैं और उसे आपको बहुत दिन तक स्टोर करना है, तो आपको क्या करना है, उसके पीछे की जो डंठल होती है डंठल को तोड़ लेना है और साथ में फ्रिज में रख देना है, इससे हरी मिर्च बहुत लंबे समय तक अच्छी और ताज़ी बनी रहती है। नेक्स्ट टिप्स जो है वो आलू और प्याज को लेके है। आलू और प्याज को कभी भी एक साथ एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए, इससे आलू जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आलू और प्याज को जब भी रखें आप अलग अलग टोकरी में ही करके रखें, कभी भी एक साथ ना रखें। और नेक्स्ट टिप्स है, अगर आपका जो दूध है वो मीन्स दो तीन टाइम का दूध जमा हो चुका है या आपको ऐसा लग रहा है कि दूध गर्म करने पे दूध फट सकता है, तो आपको उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल देना है। बेकिंग पाउडर बहुत कम, एक चुटकी भर का बेकिंग पाउडर डालने से 80% तक दूध फटने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट टिप्स जो है, जब हम आटा गूंथते हैं, जब हम रोटी का या पूड़ी का या पराठे का आटा बनाते हैं, तो हमें पानी के साथ उसमें थोड़ा सा दूध डालना है। दूध डालने से हमारे पूरी, हमारे जो पराठे रोटी हैं, जो भी चपाती वगैरह हम बनाते हैं, इससे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा फूले फूले और बहुत ही ज़्यादा एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो ये टिप्स भी आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट टिप्स हैं हरी सब्जियों को लेके। जब भी हम पालक की हरी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसे पकाने के बाद उसका रंग चेंज हो जाता है, कुछ काले जैसे पड़ जाते हैं। तो अगर उसका रंग आपको हरा भरा रखना है तो आपको क्या करना है, पालक की सब्ज़ी बनाते टाइम उसमें एक चुटकी या एक छोटा चम्मच शक्कर का डाल दें। अगर आपको शक्कर नहीं पसंद है तो बहुत कम यूज़ करें, अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। इससे भी जो हरी सब्ज़ी हमारी जो पालक रहती है उसकी जो उसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होता। नेक्स्ट टिप्स जो आपके लिए है, अगर आप केक बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको शक्कर लेना है और शक्कर को थोड़ा सा मेल्ट करना है, तब तक जब तक कि उसका ब्राउन कलर ना हो जाए, उसकी थोड़ी हल्की सी चाशनी जैसी ना बन जाए। तो उसे क्या करना है, आपको केक का जो मिक्सचर है उसमें मिक्स करना है, उससे क्या होता है केक का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और केक का कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो जो नेक्स्ट टिप्स है वो क्या है, भिंडी के लिए। जब हम भिंडी काटते हैं तो हमारी चाकू पर चिकनाहट
तो भिंडी काटते टाइम आपको थोड़ा सा चाकू पे अपने नींबू लगा लेना है, इससे आपकी भिंडी में थोड़ा भी चिपचिपाहट नहीं होगा, मींस जो चाकू होती है चाकू पे चिकनाहट भिंडी की बिल्कुल नहीं लगेगी। साथ ही में आपको क्या करना है, बादाम को अगर आपको यूज़ करना है और आपने रात आप बादाम खाते हैं रात को भिगोना भूल गए हैं, या आपको बादाम के छिलके नहीं पसंद है, तो आपको गर्म पानी करना है और उसमें 5 से 6 मिनट तक बादाम को डाल देना है। इससे क्या हो गया, बादाम के छिलके आसानी से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। साथ ही में क्या है, बहुत लोग घर में घी बनाते हैं या कभी घी गर्म करते हैं, तो इससे क्या होता है कभी कभी घी जल जाता है। अगर आपको जले हुए घी को बराबर करना है तो आपको लेना है एक आलू, आलू को कट करना है और साथ ही में गर्म की जो घी है उसमें काट कर आलू को हमें डाल देना है। इससे क्या होगा, आलू को डालकर जब हम हिला देंगे तो इसके जो भी जली हुई घी रहेगी घी हमारा एकदम साफ हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट टिप्स है वो है कि मिक्सर ग्राइंडर को कैसे बराबर करना है। ये तो बहुत ही कॉमन टिप्स है, ये आपने पहले भी सुना होगा। महीने में एक बार, अगर आप चाहें तो महीने में 2 बार भी मिक्सर के ग्राइंडर में नमक डालकर घुमा दीजिए। इससे ना मिक्सर का जो ग्राइंडर जार होता है वो बहुत अच्छे से उसकी ब्लेड तेज हो जाती है। नेक्स्ट टिप्स जो आपको करना है, नारियल को तोड़ने के पहले क्या करना है, नारियल को तोड़ने से पहले मीन्स वो अच्छे से टूट जाए, इसके लिए आपको थोड़ी देर पहले नारियल को फ्रीज़र में रख देना है। फ्रीज़र में रखने के बाद 10-15 मिनट बाद जब आप नारियल को तोड़ेंगे तो वो बहुत आसानी से निकलेंगे और बहुत ही अच्छे से टूट जाएंगे। और साथ ही में अगर आपको चाहिए तो आप उसे थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हैं गैस पे। नारियल को थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके निकालने पे भी वो आसानी से निकल जाते हैं। नेक्स्ट टिप्स है, अगर आपके घर में सेब है आप उसे काट के रख देते हैं तो वो क्या होता है, काला पड़ जाता है। आपके कटे हुए सेब काले ना पड़े इसके लिए आपने क्या करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ कर रख देना है। अगर आप एप्पल पे जो सेब होता है उस पर नींबू का रस अगर निचोड़ कर छोड़ देते हैं तो एप्पल आपके काले बिल्कुल नहीं पड़ते हैं, वैसे ही वो अच्छे रहते हैं। टिप्स है चावल को लेके, अगर आपके घर में चावल हैं वो उसमें कीड़े लग जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, चावल में जो छोटे वाले सफ़ेद कीड़े होते हैं बहुत दिन तक स्टोर करने से उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो हमें क्या करना है, उसमें थोड़ा सा हमें नमक मिलाकर रख देना है। चावल में अगर आप नमक मिला कर रख देंगे तो आपके चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और अगर आपको और भी अच्छा करना है चावल को रखना है तो आप चावल के डब्बे में 2 प्याज भी डालकर रख सकते हैं, इससे भी आपके चावल ख़राब नहीं होंगे। और फिर इसके बाद का जो टिप्स है वो है चीनी को लेके, अगर आपके चीनी के डब्बे में मीन्स शक्कर के डब्बे में अगर आपकी मूंगियाँ लग जाती हैं तो आपको क्या करना है, उसमें 5 से 6 लौंग डाल के रख देना है, इससे मूंगी शक्कर के डब्बे के नज़दीक भी नहीं आएंगी। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, ये भी आप यूज़ करके देखें। उसके बाद है बिस्किट को लेके, जब हम कुकीज़ बिस्किट डब्बे में रख देते हैं तो कितना भी पैक करके रखें थोड़े टाइम बाद वो ख़राब हो जाते हैं, मीन्स थोड़े या तो नरम पड़ जाते हैं या तो उसमें मूंगियाँ लग जाती हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, बिस्किट जब हम बिस्किट को डब्बे में स्टोर करें उसके पहले हमें उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल देनी है, इससे हमारे बिस्किट जो हैं वो ताज़ा बने रहेंगे और वो नरम भी नहीं पड़ेंगे। अब नेक्स्ट टिप्स जो है मटर को लेके हैं, अगर आपने बहुत सारे मटर लेकर के आ गए हैं जो हरे मटर होते हैं जिसे छीमी भी कहा जाता है, आपको क्या करना है, सारे मटर को फटाफट छील लेना है, उसके बाद एक पॉलीथीन लेनी है, प्लास्टिक की कैरी बैग आपको या तो प्लास्टिक की थैली लेनी है, जो भी आपके पास हो, जिपर वाला बैग हो तो भी चलेगा, अगर नहीं हो तो आप जो जिसमें भाजी लेके थे वही थैली में आपको हरे मटर को डाल करके फ्रिज में रख देना है, इससे आपके मटर के दाने जो है वो ताज़ा बने रहेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट टिप्स जो है, अगर आपकी जो आटा होती है वो थोड़ी गिल्ली हो जाती है या फिर आपके बेलन पे आटे चिपक जाते हैं तो आपको क्या करना है, बेलन को कुछ देर पहले फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने से क्या होगा, जो चिपकते हैं हमारे बेलन पे वो बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।